नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिलहाल खबर के पीछे की खबर, खबर यह है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम NSESIC के अस्पतालों में 70% पद खाली है। ESIC के इस देश में कुल 151 अस्पताल हैं। 24 नए अस्पतालों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। श्रम मंत्रालय का दावा है कि इन अस्पतालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जब इसकी जांच की और पाया कि 70% पद रिक्त है, तो उन्होंने श्रम मंत्रालय को लताड़ते हुए यह पद तुरंत भरने के लिए कहा। खबर के पीछे की खबर यह है, श्रम मंत्रालय को भी ये बात का पता था कि उनके अस्पतालों में डॉक्टर और विशेषज्ञों के 70% पद खाली है। ये भरने के लिए उन्होंने एक समितियां बनाई थी। समितियों ने यह निर्णय लिया कि अब अगली भर्ती 2022 के बाद होगी। यह समझ के परे है कि 151 अस्पतालों में यदि 70% डॉक्टर है ही नहीं, तो फिर ये 2 करोड़ मरीज इलाज किससे करवाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब 151 अस्पताल जो पहले बने हैं वही 70% पद खाली है, तो फिर नए 24 अस्पताल बनाने की क्या जरूरत। ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब मात्र श्रम मंत्रालय को देने होंगे। यह एक खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।